नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, और ये वीडियो है डेली स्वैग का। इसका टाइटल है बिग डिफेंस डील, इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस एंड मलेशिया। मलेशिया, हमने तो अभी तक खबर नहीं सुनी कि मलेशिया के लिए ब्रह्मोस मिसाइल है। फिलीपींस वाली डील तो हुई थी। चलिए देखते हैं कि भाई इस पर इतनी बड़ी डील हमने की है ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस के साथ, उस पर शायद ये राय ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तान की जनता। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपने रिसेंटली एक मिसाइल बनाया कि जिसका नाम है ब्रह्मो मिसाइल। अच्छा। और वो मिसाइल बनाया तो दुनिया में एक तहलका मच गया कि हर कोई कंट्री चाहता कि वो मिसाइल हमारे पास भी आए। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने एक्सपोर्ट किया मलेशिया को। अच्छा। मलेशिया के बाद अभी दूसरी और कंट्रीज है जो कि वेटिंग लिस्ट पर लगी हुई हैं, इंडिया उनको भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। क्या शायद मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, मलेशिया को एक्सपोर्ट नहीं किया है ब्रह्मोस, और मलेशिया से अभी कोई डील भी नहीं हुई है। ब्रह्मोस की जो डील हुई है वो फिलीपींस के साथ हुई है, फिलीपींस को वो डिलीवर करने जा रहा है, और अभी तक एक ही डील हुई है। मलेशिया के साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई है। समझते हैं आपके, हमें क्या कुछ सीखना चाहिए जो कि हमारे रिसेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इन सब के बीच में हम क्या अपने डिफेंस सिस्टम पे इतना गौर कर पा रहे हैं जितना कोई इंडिया कर रहा है? नहीं, माशाल्लाह हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस तरह से? उनके पास कोई ऐसे बंदे नहीं हैं जो बेसिकली जो हमारे लोग हैं जैसे फ़ौज के हैं वो शहीद होना फ़ख्र समझते हैं। उनके पास बुज़दिल लोग हैं, वो लोग जितना मर्जी बड़ा हथियार ले लें, हथियार को चलाने के लिए बंदा चाहिए, वो उनके पास लोग नहीं हैं। अभी तो बंदों वाली काम ही नहीं रह गए, अभी तो टेक्नोलॉजी आई। अच्छा, बुज़दिल से मुझे कुछ याद आ रहा है। बुज़दिल से क्या याद आ रहा है? बुज़दिल से, हाँ, 93,000 सैनिकों जो पाकिस्तानी सेना थे उनकी बेल्ट उतरी थी, पैंट उतरी थी, उन्हें बुज़दिल नहीं कहेंगे क्या? 93,000 बांग्लादेश, याद दिलाऊं, नॉक नॉक ठक ठक, मैदान में खड़े थे एक लाइन से, बेल्टें उतर रही थी, हथियार फेंके जा रहे थे। 93,000 पाकिस्तानी सेना के जज्बे से भरे हुए बहादुर, एक सैनिक जो 10 काफिरों पे भारी था, 93,000 ने सरेंडर किया था। बुज़दिल से तो ये अभी तो ऐसे 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 रॉकेट्स, ऐसे ऐसे मिसाइल्स और ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट इन्वेंट कर रहा है इंडिया कि वो वहाँ पर बैठे हुए ऑटो टेक ऑफ कर सकते हैं, ऑटो लैंड कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिस तरह की इंडिया कर रहा है? मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है क्योंकि पॉलिटिकल इशूज़ भी बड़े हैं हमारे, बजट इशू ये वो हर चीज़ देखते हुए मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इतना कम भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारी मदद करने वाला है। उनकी बड़ी चीज़ें अच्छी से अच्छी भी फेल हुई हैं और हमारी छोटी सी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह ने दुनिया में बड़ी इज्जत दी है, बस हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हर बंदा एक पेज पे हो, पॉलिटिकल हो, फौज का हो, ब्यूरोक्रेट, जो भी लोग हैं वो एक पेज पे होंगे तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब हर कोई बंदा जो है वो अपनी अपनी सीट की लालच में है, पैसे की लालच में है। पाकिस्तान उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, अपना पैसा, बाहर रहना, नेशनैलिटी हर किसी के पास है। गरीब बंदा, हम जैसे लोग, आप जैसे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही पर ही है जो भी है। जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आपको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं चलेगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। हमारा डॉलर 200 पर चला गया है, इंडिया जब श्रीलंका का डॉलर 400 पर चला गया था तो उनके भी अभी देख रहे हैं कि आप खाना जंगी चल रही है श्रीलंका में, श्रीलंका के डे बाई डे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने 70 साल उस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, वो भी मुल्क छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होगा? अल्लाह ना करे, थोड़ा पीछे हो जाएगा सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो है एक तो अल्लाह मददगार है हमारा, ठीक है, और ऊपर से ये जो हमारे जो ये जो फोर्सली हुकूमत आई है ना हमारी, क्योंकि ये हमने तो डिसाइड नहीं किया इनको, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। आप पर्सनली किसको लाइक करते हैं, कौन से पॉलिटिशियंस को? यार जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है ना, कौन है वो? अभी मुझे जैसे हालात चल रहे हैं ना, हर बंदा बदल हुआ है। नून लीग को देखो, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, अंदर के हालात हमें नहीं पता। पीटीए को देखें, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। पीपीपी को देखें, पीपीपी की तो छोड़ें, ये दो टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें
तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह, इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं, करते कम है। उनका जो मीडिया है ना, वो हाइप बहुत क्रिएट करता है। वो कहता बस हमने आसमान को छू लिया, हम चांद पे चले हैं, है वो ज़मीन पे ही। एग्जैक्टली, बात तो आपकी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं, गूगल भी तो बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलता हूँ। गूगल में भी उनके लोग ही हैं, गूगल सारा उनके ही चल रहा है। गूगल का सीईओ इंडियन है। वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना। पाकिस्तान को तो उन्होंने नीचा दिखाना ही दिखाना है हर चीज़ में। वो हालांकि अगर हम उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं, वैसे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं तो वो डिफीट हमें अंदरूनी तौर पर नहीं ना है। अगर अब अगर पैसे की वैल्यू की बात करें तो हमारा जो उनका एक रुपया हमारे ढाई रुपये बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आ गया या इंडिया आ गया? एजुकेशन सिस्टम में यार उनकी जो है, जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, उसका मैं इतना आइडिया नहीं लगा सकता क्योंकि मैं इतना कोई मुझे नॉलेज। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 78% जा रही है। अगर हम लिटरेसी की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 87% जा रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर लेंगे हम। वो अगर वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो हम भी फोकस। दरअसल हमारी जो लोग हैं ना, हम खुद बहुत बड़े तजिया निगार हैं, हम अपने एम पे फोकस नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, बस मैं यही बात करवाना चाह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि भाई मैं चौधरी हूँ तो बाकी सारे जीरो हैं। जहाँ भी देख लेना, कोई पार्किंग वाला भी होगा ना, वो भी बैठ के यही बात कर रहा होगा कि तुम मुल्क कैसे जा रहा है, मुल्क कैसे। यार भाई तुम अपना काम करो। Exactly. ठीक है, जो काम जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप लोग फोकस अपना ठीक रखो। आप लोग नीचे से ठीक हो गए तो ऊपर ऊपर, जैसे हमने बचपन में पढ़ा ना, जैसे इमाम वैसा हुक्मरान, हम जैसे हैं वैसे ही हमें हुक्मरान, हम अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। क्या इंडिया को उस तरह का हुक्मरान मिल चुका है जिस तरह को उनको मिलना चाहिए था? नहीं, इंडिया के हुक्मरान फारग हैं, बस बोलते बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं है। अगर हम डेवलप की बात करें, इंडिया की लास्ट टाइम की इस महीने की एक्सपोर्ट पता है कितनी हुई है? नहीं, लास्ट मंथ की एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की अगर आप देखना चाहते हैं कि तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके एक्सपोर्ट को देखा जाता है, उस मुल्क की जीडीपी को सर्च किया जाता है। अगर हम जीडीपी को सर्च करें तो खाली उनकी मुंबई सिटी की ही जीडीपी 1 ट्रिलियन प्लस जा रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी इस टाइम जा रही है 3.6% जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया जो है ना, वो अभी फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो चीज़ हम मानते हैं उनके एक्टर, वो जो है ना, एक चीज़ माने, वो मुहिब्बे वतन बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने मुल्क को बहुत देखते हैं। उनके एक्टर हो गए, उनके छोटे से छोटा फ़कीर और बड़े से बड़ा एक्टर, सब अपने मुल्क को बहुत देखते हैं। हमारे में ये यूनिटी नहीं है, मैंने पहले भी बात किया, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो उनके जो एक्टर हैं वो भी बाहर जा के अब अपनी सारी वो करते हैं कि हमारे मुल्क में ये पैसा खर्च करें, ये वो उन लोगों को अपनी मुल्क की तरफ फोकस करवाते हैं। हमारे मुल्क में ये काम नहीं है। तो लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पीस का, कोई प्यार का, कोई लव का मैसेज, बॉर्डर के उस तरफ भी, बॉर्डर की इस तरफ भी? यार हमारी फ़ौज अल्लाह का शुक्र है दुनिया की नंबर वन फ़ौज है, और इंशाल्लाह ये रहेगी। बस हमें थोड़ा सा उनका साथ देना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ में ना पड़ते हुए ना, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फ़ौज है तो हम लोग यहाँ से सुकून से, जैसे अब हम आए हुए हैं, एनवायरनमेंट में सुकून दे एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अगर फ़ौज है तो कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए ये बस। अगर इंडिया के साथ सुलह करने का मौका मिले तो करेंगे? नहीं नहीं, सुलह भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो लोग जो उधर नसारा और ये लोग हमारे कभी नहीं हो सकते। ये तो हमारे नबी ने तो कहा था कि हिंदुओं को भी गले लगाया था मुसलमानों को, ऑटोमेटिकली जब हिंदू, जब मक्का के लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नबी, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हुक्म कर दे मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान इन यहूदियों को, इन नसारा को मैं ख़त्म नस्तो नाबूद कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन लोगों से मुझे इस्लाम की बू आती है, इस्लाम कबूल करने की इनकी नस्लों में से खुशबू आ रही है। क्या समझते हैं आप? हमने इतनी देर हो गई है, आई थिंक 77, उन्होंने भी तो 70 ईयर तबलीग की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम आज के मुसलमान हैं जो कि हम कहते हैं कि हम उनसे सुलह, देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा कर गए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सिखा कर गए हैं, इखलाक, मोहब्बत,
प्यार, अमन, ये चीज़ें अगर हम किसी को, अब मैं आपके बारे में बुरा कहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जगह कोई हिंदू होता वो कहते कि मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ सुलह करनी है आपने, तो वो कहते नहीं नहीं वो तो फजूल लोग हैं, बेकार लोग हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो आपको क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में अच्छा मैसेज ये कन्वे हो रहा है जो आपने बात की? यार मुझे मैं लाइक नहीं करता उसको, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ आपने इतना बड़ा कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है। वो बहुत बड़ी हस्ती थी, ठीक है। हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम कामयाब होंगे, अदरवाइज बाकी मैं चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह अच्छा कोशिश कर रहे हैं। इखलाक क्या सिखाता हमें कि दूसरे जानवर से भी मोहब्बत सिखाता, वो तो फिर इंसान है। नहीं वो इंसान तो है, नफरत को नफरत मिटा सकती है, आग को आग बुझा सकते हैं, आग को बुझाने के लिए पानी का काम करना पड़ता है ना, पानी को लाना पड़ता है। यार बस यही है कि हम लोग नफरतें नहीं खत्म कर सकते, हम नफरतें हम लोग खत्म करेंगे, उनके बड़े शुरू कर देंगे। जैसे बड़ों को छोड़ो, हम खुद अपने से तो शुरू करें, हम किसी को नहीं देख सकते ना, हम अपने आप को देखें कि मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए हम लोग, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम लोग वैसे हर चीज़ उनकी देखते हैं, इंडिया की फिल्में वगैरह भी देखते हैं, लेकिन एट द एंड यही आता है कि वो उन्हें उनको कोई भी मौका मिले ना, वो पाकिस्तान को नहीं बीच में से हटाने देते। वो कहते हैं अगर हमारे घर में कोई सिलेंडर भी फटा तो वो किसी पाकिस्तानी नहीं फटा। वो तो हम भी कहते हैं ना, हर चीज़ में पाकिस्तानी इंडियन को इन्वॉल्व करते हैं। नहीं, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस आप नहीं कर रहे, मेरा यही काम है टोटली। मैं जब माइक लेकर चलता हूँ, मेरे दिन में 1000 लोगों से मिलता हूँ, तो मैं अपना ऑब्जर्व बता रहा हूँ कि जो मैं लोगों से मिलता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम अपने, जब तक हम ये नहीं तस्लीम करूँगा कि मेरी गलती है, मेरे ये मैं तरक्की नहीं कर रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये मेरा कसूर है, मेरे में नॉलेज नहीं है, मेरे में इलम नहीं है, हम दूसरों को ब्लेम देने हैं। लूजर्स आल्सो ब्लेम्स अदर, जो नाकाम लोग होते हैं वो दूसरों पर इल्ज़ाम देते हैं। अपनी गलती जब हम मानने शुरू करेंगे, पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। हम खुद गलती करते हैं, वो इकबाल साहब कहते थे ना, मुझे हंसी आती है हसरत इंसान पर, जो गलती खुद करता है वो इल्ज़ाम शैतान को देता है। हम इंडिया को इल्ज़ाम दे के खुद को पाक करते हैं। हम कहते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, हम पे ही साजिश करेंगे, दुनिया के और कंट्रीज़ नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने नहीं कभी कहा कि इंडिया साजिश कर रहा है ये, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना कि न्यूज़ में उनकी फिल्में देख लें, उनकी फ़ौज की फिल्म होगी तो वो सीधा पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, तो ये तो अच्छा पैगाम नहीं ना दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक। आप कुछ भी समझा लो, कुछ भी फैक्ट दे दो, कुछ भी सच्चाई दिखा दो, हकीकत बता दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दिमाग में ये जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि पूछिए मत। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका सर? आदिल। करते क्या सर? मेरा ये सामने ऑफिस है लासानी स्ट्रीट के नाम से। माशाल्लाह, आपकी एडवर्टाइजिंग भी होगी इसी के साथ साथ। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंडिया ने अपना एक मिसाइल बनाया जिसका नाम है ब्रह्मो मिसाइल। उस मिसाइल को लेकर दुनिया में एक तहलका मच चुका है, दुनिया में एक हलचल मच चुकी है। उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक डिफेंसिव सिस्टम के अंदर, जो कि एक मिसाइल के अंदर होनी चाहिए। जब से वो मिसाइल बना तो हर कोई कंट्री चाहता है कि उस मिसाइल को हम ले लें, हम बाय कर लें, हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो मलेशिया को सबसे पहले इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरी कंट्रीज़ वेटिंग लिस्ट पर है। अभी आप बताएं कि पाकिस्तान उस तरह से काम कर पा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान कहाँ चल रहा है इस टाइम? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उनका और प्लस हमारे जो इंडियन हैं मोदी साहब, इनकी तो बड़ी अच्छी पैचअप है। तो ये अवेल करना चाहेंगे क्योंकि अगर इंडिया इस चीज़ का स्टेप ले रहा है तो पाकिस्तान कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा। तो अगर एक अच्छी चीज़ है हमारे क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तो फिर हमें इसको चाहिए कि इंडिया से पहले हम इसको पिक कर लें। Exactly. और इसमें जितनी भी हमारी हिफाजत है सरहदों की, हमारे मुल्क की, तो हमारे मुल्क को चाहिए कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप के ऊपर अवेल करें ये अपॉर्चुनिटी को। सही बात है। अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ऐसे ऐसे डे बाय डे हमारा डॉलर का रेट आसमानों पर जा रहा है, 200 प्लस जा चुका है। पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं कि 250 प्लस जा चुकी है। तो इस पेट्रोल की रेंज में इस तरह की, जो कि मजदूर की सैलरी इस टाइम 25,000 या 18,000 रुपये, आपको लगता है कि गुजारा हो पाएगा इस दौर में गरीब लोगों का? देखें जी, सियासत की बात नहीं हम करेंगे, एक जनरल बात करेंगे। जितने दावे हमारी इस गवर्नमेंट ने किए थे
मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर क्या इस टाइम एक बिजनेसमैन की भी ये कंडीशन है कि आप इस टाइम हमारी मौजूदा इस वर्कर मार्केट की कंडीशन देख लें कि लोग बिल्कुल कंजस्टेड हुए पड़े हैं। कुर्बानी के हवाले से आप देख लें, इस वक्त आपको मैं सिर्फ सिंपल अपने आपके घर की मिसाल दूंगा कि आपके पड़ोस में कितने लोगों ने कुर्बानी की है, कितना गोश आपके घर में आया है। ईद के हवाले से भी आपका सेशन बनता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मज़दूर तो बिल्कुल बेचारा पिस के रह गया है, और हमारी ये खुदारा गवर्नमेंट से हम दर्दाना और अपील है कि कम से कम गरीब को तीन टाइम की रोटी मिलनी चाहिए। सर, क्या वजह है कि हमारे पॉलिटिकल दुनिया डे बाय डे डेवलप होती जा रही है, हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हम भी उस ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पर श्रीलंका जाकर उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उनका मुल्क दिवालिया हो चुका है। क्या पाकिस्तान इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि उस ट्रैक पर जा रहा है, दिवालिया होने के ट्रैक पर? देखिए जी, आई एम मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी हूँ, कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हमारे सरहदों की हिफाजत फरमाए और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन जो क्राइसिस बन रहे हैं, देखें कि एक नॉर्मल आदमी जो पहले सर्वाइव कर सकता था, अब मुझे नहीं लगता कि वो इजीली कर सके, क्योंकि हमारे इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, हर चीज़ में उन्होंने टैक्सेस और इतना कुछ इंक्रीज़ कर दिया है कि मुझे नहीं समझ लग रहा कि हम आगे चल सकें। और आपकी इस कंडीशन के ऊपर मुझे तो ये लग रहा है कि हर घर हर मोहल्ले गली में क्राइम शुरू हो जाएंगे। क्यों? जब गुर्बत होगी। अब मैं हूँ, मैं ज़्यादा तीन की जगह दो टाइम का खाना खा सकता हूँ। जब मुझे ये पता चलेगा कि दो टाइम का खाना मुश्किल है, तो फिर हमारा मुल्क जो है ना, वो ज़ाहरी बात है कि माइनस में जाएगा। और लेकिन हम कभी भी ये दुआगो नहीं होंगे कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जाए। जैसे अब IMF ने हमारे ऊपर इतने मतलब के वो अपनी शरायत लागू की है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं हम अपने पाँव पर जब खड़े होंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम IMF के पास जाएं, हम अमेरिका के पास जाएं, हम सऊदीया के पास जाकर उनसे कर्जा लें। हमें अपने पाँव पर खुद स्टैंड होना चाहिए। जब तक इस तरह की हुक्मरान हमारे पास आते रहेंगे कि जो कि दूसरे मुल्कों के पास जाकर उनसे डिमांड करें कि भाई हमें ये दे दो, हमें वो चीज़ दे दो, जो दूसरों के पास जाता हाथ फैलाता उसकी वैल्यू होती कोई दुनिया में? देखिए जी, अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में इतना कुछ नवाज दिया है कि अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छे तरीके से चलाई जाएँ तो हमें किसी के आगे भीख मांगना ज़रूरत नहीं है और किसी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि करंट गवर्नमेंट जैसे पिछली, लेकिन ये जो नज़ला हमारे मुल्क के ऊपर गिरा हुआ है, ये पिछले 30-25 साल से चल रहा है, क्योंकि IMF इस टाइम ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को हमने ख़रीद लिया है और इसको हमने आगे चलने नहीं देना जो वो हमारे पर मुसल्लत करेंगे। और इसी के ऊपर खान साहब का एक लफ्ज़ था, एब्सोल्युटली नॉट, जिसके ऊपर अक़वामे मुत्तहिदा और बड़ी बड़ी जगहों के अंदर ऐसी चीज़ें आई हैं कि आप देख लें कि उस हुकूमत का और इस हुकूमत का हर बंदे को पता चल गया है कि कौन कितना किसी के साथ सिंसियर चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और बाकी तो पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता ही हैं कि भाई चाय तक पीने के लाले पड़े हुए हैं। कहा गया कि भैया चाय छोड़ दीजिए, चाय मत पीजिए, सत्तू और लस्सी से ही काम चलाइए। भाई अब पता नहीं सत्तू और लस्सी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरी मेरी एक शिकायत है यार, जो भी होस्ट साहब हैं, क्या नाम है इनका, वालिद, जो भी नाम है, मुद्दा था ब्रह्मोस मिसाइल की डील। तो पहली तो आपने ये जानकारी गलत दी। अब सोचिए, आपके लोग हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, पहले वो जानकारी गलत दे दी कि भाई मलेशिया को एक्सपोर्ट किया है। दूसरी बात कि ये हमने फिलीपींस के साथ डील की है, मलेशिया के साथ इसकी कोई डील नहीं हुई है। तीसरी बात कि मुद्दा भटक के श्रीलंका भी आ गया, इसमें महंगाई भी आ गई, इसमें गुर्बत भी आ गई और ब्रह्मोस पर तो बात ही नहीं हुई। यानी कि टॉपिक जो भी है बिल्कुल अलहदा हो गया टॉपिक से। ब्रह्मोस मिसाइल का तो आप लोगों को पता ही है कि गलती से वो मियाँ चन्नू में एक मिसाइल गलती से इधर से फायर होगी, ब्रह्मोस उधर जाके गिर गई और 24 घंटे बाद आप लोगों को पता चला कि ये तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल थी। डिटेक्ट ही नहीं कर पाए आप लोग, बाद में सेना को सफाई देनी पड़ेगी, नहीं जी हमने डिटेक्ट कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर, तो जब डिटेक्ट कर लिया था तो भैया मार के गिरा क्यों नहीं दी थी मिसाइल? मार तो पाए नहीं आप मिसाइल को, आप सोचिए वो क्रूज मिसाइल थी, मार ही नहीं पाए। चौथी बात कि देखिए, हमारा फोकस पाकिस्तान नहीं है, हमारा फोकस भारत है, हमारा फोकस भारत की सुरक्षा है, हमारा फोकस भारत का डेवलपमेंट है, हमारा फोकस अपनी इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत बनाने का है,
और एक भाई साहब जो शुरुआती वाले थे, बड़े बड़े वादे किए हैं नहीं करूंगा, ये नहीं है, वो नहीं है, इंडिया आगे नहीं है, पीछे नहीं है। भाई हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। सर्टिफिकेट हमें दिख जाता है कि जब एक भारतीय रुपया 2.5 रुपया हो जाता है पाकिस्तानी। सर्टिफिकेट हमें दिख जाता है जब 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपकी है और हमारी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। फर्क दिख जाता है कि आपका एक्सपोर्ट होता है, आईटी का एक्सपोर्ट होता है 70% आगे बढ़ के 2 बिलियन डॉलर्स का, हमारा जो है वो 250 प्लस बिलियन डॉलर्स का। आप समझ रहे हैं फर्क वहां दिखता है कि एक हमारी मुंबई की इकोनॉमी जो है वो आप पर भारी है। मुंबई की इकोनॉमी छोड़ दीजिए, हमारा टाटा या बिरला या इन्हीं की जो जितनी बड़ी इकोनॉमी है वो आपके पूरे पाकिस्तान पर भारी है। तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम क्या हैं, हमारी पोटेंशियल पता है। बाकी आप जलते रहिए, भुनते रहिए। बाकी मैं एंकर साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई साहब फैक्ट्स ये हैं, सच्चाई ये है। अब मतलब आप भारत को उस नजर से मत देखें जो आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, उस नजर से देखें जहां दुनिया देख रही है, लेकिन लोगों पर कोई फर्क पड़ा नहीं। तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि भाई आप ये कोशिश करते रहिए। कम से कम देखिए, आपने सही बात कही थी कि सच्चाई को स्वीकारना, अपनी गलती को स्वीकारना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करते रहिए, शायद आप कोशिश में कामयाब हों। रही बात भारत की, तो भारत के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं और आगे भी चर्चे आपको सुनाई देते रहेंगे, नई नई उपलब्धियों से आपको रूबरू होते रहेंगे आप। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।